नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ हूं मैं नेहा वाथन। दोपहर 2 बजे की बुलेटिन की शुरुआत अयोध्या से करेंगे, जहां आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा ऐलान किया। राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष रामचंद्र परमहंस की पुण्यतिथि के अवसर पर सीएम योगी ने कहा कि वो पहले राम भक्त हैं फिर मुख्यमंत्री, इसीलिए अयोध्या बार बार आते रहे। तो योगी आदित्यनाथ यहाँ पे मान जी, आपका अयोध्या का दूसरा दौरा। हाँ, क्यों बार बार आएंगे? नहीं, तमाम संत समाज में एक ऊर्जा है, उम्मीद है कि कहीं ना कहीं राम मंदिर को लेके भी सकारात्मक कदम उठाएगी सरकार। हम लोग हमेशा सकारात्मक ही रहे हैं, आगे भी सकारात्मक रहेंगे। आपने आपसी सहमति की बात कही थी, पिछली बार भी हम मौजूद थे जब आपने मंच से कहा था, तो उस ओर क्या आपकी सरकार कदम उठा रही है? सकारात्मक पहल ही है, इसलिए बार बार अयोध्या आ रहे हैं जी। कोई कहते हैं कि योगी बतौर मुख्यमंत्री आते हैं या बतौर राम भक्त आते हैं अयोध्या? भाई, हम पहले राम भक्त हैं। तो साफ है कि उन्होंने कहीं ना कहीं कहा कि राम भक्त वो पहले हैं। आज तक से खास बातचीत में उन्होंने साफ कर दिया कि बार बार वो अयोध्या इसलिए आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं राम मंदिर उनके दिलो दिमाग में छाया हुआ है। कैमरा पर्सन संजय के साथ मौसमी सिंह, अयोध्या आज तक। अयोध्या के दिगंबर अखाड़े में सीएम योगी ने अयोध्या और राम मंदिर के बारे में विस्तार से बताया। अयोध्या के विकास का भी भरोसा दिया, लेकिन राम मंदिर बनाए जाने के प्लान का कोई जिक्र नहीं किया। भारत का कोई ऐसा परिवार नहीं, कोई ऐसा बच्चा नहीं जो भगवान राम की उस लीला के बारे में बचपन से ही अपने परिवार में, अपनी माँ, अपनी दादी, अपनी नानी, अपने परिवार के अन्य सदस्यों के मुंह से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जीवन के इन प्रसंगों को न सुनता रहा हो। लेकिन बावजूद इसके हर वर्ष हम लोग अपने गांव में रामलीला का आयोजन कराते हैं, बावजूद इसके हर वर्ष हमारे नगर में, हमारे कस्बे में या जहां कहीं भी रामलीला का आयोजन होता है, हजारों हजार की भीड़ वहां एकत्र होकर के भगवान राम के प्रति अपनी श्रद्धा को व्यक्त करने के लिए एकत्र होता है। उस मंचन के माध्यम से अपनी श्रद्धा को व्यक्त करने का उन्हें एक अवसर प्राप्त होता है। और यही नहीं, जब एक कथा व्यास किसी कथा में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की इस गाथा को अपने प्रवचनों के माध्यम से भी व्यक्त करता है, उसका वाचन करता है, तब भी हम सब इस बात को देखते हैं कि हजारों की भीड़ एकत्र होकर के मंत्र मुक्त होकर के 3 घंटे 4 घंटे बैठ करके भगवान राम की इस गाथा को, भगवान राम की इस लीला को सुन करके न केवल द्रवित होता है अभी तो अपने को धन्य मानता है कि मैंने भगवान राम